हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके। आज 1 मार्च 2020 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स जीके आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जीके, और साथ ही साथ उसमें मिलेंगे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। किसने नीति आयोग के साथ मिलकर स्कूलों में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित मॉड्यूल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए विप्रो, ऑप्शन बी नास्कॉम, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट और ऑप्शन डी विस्टा। दोस्तों, बात की जाए तो नास्कॉम जो है उसने स्कूलों के साथ मिलकर एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आधारित मॉड्यूल लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नास्कॉम। और नास्कॉम के बारे में बात की जाए तो नास्कॉम जो है उसकी फुल फॉर्म जो होती है वह है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, और नास्कॉम के जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वह है केशव मुरुगेश। उसके बाद बात की जाए नीति आयोग की, क्योंकि नीति आयोग और नास्कॉम दोनों ने मिलकर किया है, तो नीति आयोग की बात की जाए तो नीति का मतलब, आयोग का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके अध्यक्ष हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। और जो ये नास्कॉम है उसने नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन AIM के सहयोग से इस मॉड्यूल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या सेकंड। हाल ही में 112 वर्ष की उम्र में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चितेसु वतनबे का निधन हुआ है, वह किस देश के निवासी थे? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ब्रिटेन। हाल ही में जो दुनिया के सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं उनका निधन हुआ है और वह है जापान से, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। उनका जो जन्म है वह 5 मार्च 1907 का हुआ था, और वह 112 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। और दूसरे नंबर पर जो हैं सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति वह है ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3। वेनेजुएला गणराज्य में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अभिषेक सिंह, ऑप्शन बी एन श्रीनिवासन, ऑप्शन सी अजीत डोभाल, ऑप्शन डी अमिताभ ठाकुर। साथियों, बात की जाए वेनेजुएला गणराज्य में भारत का जो अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है अभिषेक सिंह को, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अभिषेक सिंह के बारे में इंपॉर्टेंट नोट की बात की जाए तो अभिषेक सिंह 2003 बैच के IFS अधिकारी हैं, और तथा यह जो राजीव कुमार नपल का स्थान लेंगे। वर्तमान में यानी कि वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में अभिषेक सिंह जो हैं वो अफगानिस्तान के काबुल में भारत के दूतावास के उप प्रमुख के रूप में सेवारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय MOFPI ने ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत कितने रुपए की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 150 करोड़, ऑप्शन बी 155 करोड़, ऑप्शन सी 162 करोड़, ऑप्शन डी 167 करोड़। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 162 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित कर कॉलेज और स्कूल परिसर में सभी प्रकार के राजनीतिक आंदोलनों पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी केरल।
इसका राइट आंसर है केरल राज्य के उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है जिसमें स्कूल परिसर यानी कि स्कूल की चार दीवारी के अंदर और कॉलेजों की चार दीवारी के अंदर किसी भी प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रम आंदोलनों पर रोक लगा दी है। केरल राज्य की बात की जाए तो केरल राज्य के मुख्यमंत्री है पिनारई विजयन और वहाँ के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट, किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने इंडिगो एयरलाइंस के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन डी एसबीआई बैंक। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो एयरलाइंस के साथ एचडीएफसी अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने ब्रांडेड सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर एचडीएफसी बैंक। और यह जो कार्ड है यह प्रभावी रूप से वहां के लिए एक लॉयल्टी कार्यक्रम की तरह काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पायेंग को किस स्थान पर स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी इलाहाबाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली में फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पायेंग को स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। और बात की जाए तो इन्हें यह छठा कर्मयोगी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा यानी कि छठे कर्मयोगी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और इन्हें पुरस्कार के रूप में इनके पुरस्कार में मिलेगा क्या क्या, 1,00,000 रुपये मिलेंगे, उसके अलावा सस्वर पाठ और एक ट्रॉफी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, भारत देश के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है जिन्होंने कर्नाटक के बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL परिसर के हेलीकॉप्टर डिवीजन में नए हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर उत्पादन हैंगर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी राज्यवर्धन सिंह राठौड़। और इसका राइट आंसर है वर्तमान में जो भारत के रक्षा मंत्री है वह ऑप्शन सी राइट आंसर है राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री है। बात की जाए उन्होंने किया क्या, कर्नाटक के बेंगलुरु में जो HAL का परिसर है मतलब HAL का जो एरिया है वहाँ पर सबसे हल्के यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को हैंगर का उद्घाटन किया है। लाइट कॉम्बैक्ट जो हेलीकॉप्टर है उसका वजन है 5.5 टन और इसमें 2 शक्ति इंजन लगाए गए यानी कि 2 पावर इंजन लगाए गए। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है वह 4700 मीटर की ऊँचाई तक अपने साथ 500 यानी कि 500 केजी वजन तक ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, किस स्थान पर 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020 का उद्घाटन हुआ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कानपुर। और इसका राइट आंसर है 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है, तो राइट आंसर ए नई दिल्ली। जो राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020 है उसका विषय क्या था? एम्पावरिंग यूथ फॉर टेक्नोलॉजी LED फार्मिंग। और इसका जो उद्घाटन है वह केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था। और जो 11वां राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020 है इसके जो आयोजनकर्ता जिन्होंने इसको आयोजन किया था वह था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत देश के केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी नितिन गडकरी। तो इसका राइट आंसर है वर्तमान में भारत देश के गृह मंत्री है अमित शाह, तो बी राइट आंसर अमित शाह। और अमित शाह BJP के एक्स राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे आज के करंट अफेयर्स जी के जो कि आपकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब UV कंपटीशन चैनल। साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूलें और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करें, PDF का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।